दोस्तों यूसुफ पठान एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू किए थे और इस टूर्नामेंट में उनका योगदान काफी छोटा था लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने में। IPL के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 3 बार IPL चैंपियन टीम का हिस्सा बन चुके हैं, जहां पर 1 बार राजस्थान टीम के तरफ से और 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के तरफ से IPL जीत चुके हैं। तो दोस्तों काफी लंबे टाइम से यूसुफ पठान ने अपने फैंस को खतरनाक बल्लेबाजी से एंटरटेन किए हैं और मैं आपको इस वीडियो में उनके 5 रिकॉर्ड के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद बहुत ही कम खिलाड़ी अभी तक बना पाया है। तो अगर आप यूसुफ पठान के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और क्रिकेट और IPL से जुड़े हुए वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। तो बात करें सबसे पहला रिकॉर्ड के बारे में जो कि है IPL में सेकंड फास्टेस्ट अर्धशतक बनाने की रिकॉर्ड। दोस्तों यूसुफ पठान और KKR टीम के बीच एक बहुत तगड़ा रिलेशन है और एक लंबे टाइम ये खिलाड़ी KKR टीम के तरफ से खेल चुके हैं। IPL 2014 में SRH टीम के खिलाफ एक मैच में KKR को 15.2 ओवर में 161 रन चेस करना था पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर आने के लिए, बट KKR टीम ने 7.3 ओवर में सिर्फ 55 रन बनाए थे और वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। यूसुफ पठान ने 72 रन बनाए थे और वो भी सिर्फ और सिर्फ 22 गेंदों में। तो इसी दौरान उन्होंने इस मैच में सिर्फ 15 बल में 50 रन बनाकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब दूसरे रिकॉर्ड के बारे में बात करें जो कि है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेकेंड फास्टेस्ट अर्धशतक बनाना। दोस्तों यूसुफ पठान ने नवंबर 2012 के रणजी ट्रॉफी में विदर्भ टीम के खिलाफ सिर्फ 18 बल में 50 रन बनाए थे। उस मैच में उन्होंने नंबर 6 में बल्लेबाजी करने उतरे थे और सिर्फ 36 बल में 78 रन बना के बड़ौदा टीम के स्कोर को काफी दूर तक ले गए थे। और इस 78 रन के पारी में 6 चौके और 5 लंबे छक्के मारने के बाद टीम टोटल को 514 रन बना के डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद तीसरी रिकॉर्ड के बारे में बात करें जो कि है IPL में सबसे तेज शतक बनाना भारतीय खिलाड़ी के रूप में। 2010 के IPL में जब यूसुफ पठान राजस्थान टीम में थे तब एक मैच में टीम को 213 रन चेस करना था और टीम के 3 विकेट 40 रन पर गिर चुका था, पर जब यूसुफ पठान ने बल्लेबाजी करते उतरे तो मुंबई इंडियन के गेंदबाजों को इतना मारा कि सिर्फ 37 बल में शतक बना डाले, पर बैट लक की 100 रन बनाने के बाद यूसुफ पठान रन आउट हो गए थे और वो मैच राजस्थान टीम को हारना पड़ा था। नेक्स्ट चौथी रिकॉर्ड के बारे में बात करें जो कि है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक बनाना। दोस्तों 2008-09 के ड्यूलिप ट्रॉफी के एक सीजन में यूसुफ पठान ने वेस्ट जोन के तरफ से खेलते हुए एक मैच में सेंट्रल जोन के खिलाफ 66 बल खेल के 107 रन बनाए थे, पर दोस्तों उन्होंने अपना 100 रन सिर्फ 51 बल में बनाए थे तो ये सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बन चुका है। और दोस्तों मजे की बात उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ 136 रन का पार्टनरशिप बनाए थे जहां पर उन्होंने अकेले 107 रन बनाए थे। और आखिर में बात करें आखिरी रिकॉर्ड के बारे में जो कि है लीस्ट एक क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाना। दोस्तों 2010 के देवधर ट्रॉफी में यूसुफ पठान खेले थे वेस्ट जोन के तरफ से और फाइनल में उनके सामने था नॉर्थ जोन का टीम जो विराट कोहली लीड कर रहे थे। नॉर्थ जोन ने 50 ओवर में 264 रन बनाए थे और 22 ओवर में वेस्ट जोन का स्कोर था 100 रन पर 5 विकेट। उसके बाद यूसुफ पठान बल्लेबाजी करते उतरे थे और 39 बल खेल के 80 रन बनाए थे जहां पर उन्होंने सिर्फ 18 बल में 50 रन बना के लीस्ट एक क्रिकेट में रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो दोस्तों ये था 5 रिकॉर्ड जो यूसुफ पठान ने अपने क्रिकेट करियर में बना चुके हैं। आप नीचे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा वाला इनिंग्स आपने देखे है और नहीं भूलने वाले है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।